अस्सलाम वालेकुम। जब चीज 34 में खलीफा हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सेहत ख़राब होती है, तबीयत नासाज होती है और वो डेथ बेड के ऊपर थे, तो उनके सामने सबसे बड़ा मसला ये था कि उनके जाने के बाद कौन खलीफा बनेगा और कौन मुसलमानों को लीड करेगा। अब ये वाकई में एक बहुत बड़ा चैलेंज था उनके सामने और इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स थे। मिसाल के तौर पर सबसे पहला रीज़न तो ये था कि वो उन इश्यूज को, उन हर्डल्स को वो अवॉइड करना चाहते थे जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद उन्होंने अपने इलेक्शन में फ़ेस किए थे। अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इलेक्शन में हमने देखा था कि महाजर और अंसार दोनों डिवाइडेड थे। महाजर के अंदर भी बहुत सारी पार्टीज़ थी, मिसाल के तौर पर ऑर्थोडॉक्स पार्टी थी, इलाइट पार्टी थी और उमैयद पार्टी थी, और जो अंसार के जो दो ट्राइब थे ओस और खजरज, तो उनमें भी यूनिटी नहीं थी, उधर भी डिवीजन थी। और उस इलेक्शन में बात तो यहाँ तक भी पहुँच गई थी कि दो रूलर होंगे, एक अंसार से होगा और एक जो है वो महाजर से होगा। लेकिन फिर वो इशू रिजोल्व हो गई थी और सब ने अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एज खलीफा एक्सेप्ट किया। लेकिन अब वो वरीड थे हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि ऐसा ना हो कि वो इस दुनिया से चले जाएं और उनके बाद खलीफे के ऊपर अंसार और महाजरीन और बाकी मुसलमान फिर से एक दूसरे को कन्फ्रंट करें और इनके दरमियान कोई डिस्प्यूट वगैरह ना हो। तो लिहाजा इन ऑर्डर टू अवॉइड सच इशू वो चाहते थे कि मैं अपनी ज़िंदगी में ही इस इशू को रिजॉल्व करूं। एक तो ये रीज़न था। अच्छा, दूसरा रीज़न ये था कि जब अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने तो बहुत सारे कबाइल ने, बहुत सारे ट्राइब्स ने उनके खिलाफ बगावत की, तो वो रिबेलियंस अब भी वहाँ पर मौजूद थे। तो लिहाजा वो ये सोच रहे थे कि अगर वो इसी तरह चले जाएंगे और किसी को अपॉइंट नहीं करेंगे एज़ खलीफा, तो लिहाजा सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी और ये लोग फिर बगावत कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग उन्होंने उनको रिद्दावार में क्रश किया था लेकिन मुकम्मल तौर पर उनको क्रश नहीं किया गया था। वो अब भी मौजूद थे, अब भी एक्टिव थे अरेबियन पेनिनसुला में। तो एक तो ये रीज़न था। अच्छा, तीसरा रीज़न ये था कि अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके टाइम में फतुहात भी शुरू हो गई थी, मुसलमान जो थे वो इराक़ में भी इंगेज थे और इसी तरह मुसलमान जो थे वो सीरिया शाम में भी इंगेज थे, तो इसके लिए एक खलीफा का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो ये भी सोच रहे थे कि अगर खलीफा होगा तो इस मोमेंटम में और इस मोमेंटम में कोई फ़र्क नहीं आएगा और कोई इंटरसेप्शन नहीं आएगी इनके दरमियान। तो लिहाजा वो चाह रहे थे कि ये पूरा जो कंट्रोल उन्होंने हैंडल किया हुआ है, तो अगर इसके बाद कोई इशू क्रिएट होगा तो बहुत सारे मसले क्रिएट हो सकते हैं और इस्लामिक स्टेट को ख़तरा भी हो सकता है। लिहाजा वो चाहते थे कि वो अपनी ज़िंदगी में ही इस इशू को रिजॉल्व करें। इस सिलसिले में वो इस तरह करते हैं कि अपने एडवाइज़र्स के साथ और शूरा के साथ वो कुछ मशवरा करते हैं, कंसल्टेशन करते हैं और बहुत सोच के बाद और बहुत उसके बाद कंसल्टेशन के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अगर उनके बाद कोई शख्स अहल है खिलाफत के लिए एज़ खलीफा, तो वो है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। लिहाजा वो इस तरह करते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी बुलाते हैं और उनके साथ भी मशवरा करते हैं और उनको भी वो राज़ी करते हैं। अच्छा, अब इस डिसीजन पर बहुत सारे लोगों ने अपोस्ट भी किया, इसी वजह से किया, लोग कहते थे कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो काफ़ी गुस्से वाले इंसान हैं और वो काफ़ी एग्रेसिव है, लिहाजा वो हाइपर भी होते हैं और जो बंदा गुस्सा होता है और ज़्यादा एग्रेसिव होता है, जारहाना होता है, तो वो उसको इस किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए एक ऐसा बंदा चाहिए जो कामली, फ्रेंडली, एमिकेबली तौर पर सोचे, रेशनली वो सोचे और वो डिसीजन ले लें, क्योंकि ये एक बहुत बड़े सल्तनत का सवाल था।
तो इस पर अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब हम उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे तो वो ख़ुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। तो इसी तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नॉमिनेशन होती है और वो मुसलमानों के दूसरा खलीफा बनते हैं 24 अगस्त 634 में, जब 23 अगस्त 634 को अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की डेथ होती है और वो इस दुनिया से रुख्सत होते हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर अगर बात की जाए तो उनका ताल्लुक़ था कुरैश से और कुरैश का एक क्लैन था जिसका नाम था बनू आदि, तो बनू आदि से उनका ताल्लुक़ था। उनके वालिद का नाम था अल-ख़िताब, इसी वजह से उन्हें उमर बिन अल-ख़िताब कहा जाता था। उसकी तकरीबन 6-7 उनकी बीवियाँ थी और दौर जाहिलियत की अगर बात की जाए तो वो काफ़ी एक एक्सट्रीम बुत परस्त था और काफ़ी प्यार था उन्हें बुतों से और वो काफ़ी एग्रेसिव भी था और उन्होंने शुरू में इस्लाम एक्सेप्ट नहीं किया था लेकिन फिर बाद में उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया था। और उमर फारूक वो इंसान थे कि उनसे बहुत ज़्यादातर लोग उनसे डरते भी थे, वो काफ़ी एग्रेसिव थे, गुस्से वाले थे। इवन जब उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया तो वो फर्स्ट इंसान थे, पहले इंसान थे अरेबियन पेनिनसुला में जिसने ओपनली खुलेआम काबा के साथ नमाज अदा की थी। इससे पहले ज़्यादातर मुसलमान इंक्लूडिंग प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम तो वो सारे चुपके से नमाज पढ़ते थे ताकि उनके लिए कोई इशू क्रिएट ना हो। लिहाजा जब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम एक्सेप्ट किया तो उन्होंने ओपनली काबा के साथ नमाज अदा किया और किसी ने उनको कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वो काफ़ी गुस्से वाले इंसान थे। अच्छा, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे उनके बहुत ज़्यादा खिदमात है इस्लाम के लिए, जो इंशाल्लाह हम आने वाले अभी जो वीडियोस कर रहे हैं उनके ऊपर, इसके बाद जितने भी वीडियोस करेंगे तो वो उनके ऊपर होगी। फतुहात बहुत ज़्यादा हुई थी, मुसलमानों ने पर्शिया से सेनेट अम्पायर को शिकस्त दिया था, इराक़ पर कब्ज़ा किया था, पर्शिया तक पहुंच गए थे ऊपर खुरासान तक। इसके अलावा मुसलमान सीरिया शाम को फतह किया था, इस पूरे इलाके को। मुसलमानों ने मिस्र इजिप्ट को भी मुसलमानों ने फतह किया था। उनके टाइम में बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ उन्होंने इस्टेब्लिश किए थे, उमर के बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ थे, इकनॉमिक पॉलिसीज़ भी थे, सोशल पॉलिसीज़ भी थे, बहुत सारे शहरों की बुनियाद उन्होंने रखी थी जो कि हम बाद में आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। तो उनके बहुत ज़्यादा खिदमात थे और उन्होंने बहुत टाइम भी गुजारा था। अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तकरीबन सिर्फ 3-4 साल उनका टाइम था, लेकिन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तकरीबन कुछ अबाउट 10 ईयर्स उनका खिलाफत था, उनका टाइम था और उनकी बहुत ज़्यादा खिदमात है इस्लाम के लिए। इसी वजह से उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उमर द ग्रेट भी कहा जाता है क्योंकि उनका टाइम एक बहुत अच्छा टाइम था और एक बहुत अच्छा रूलर था। तो ये इस वीडियो में हमने ये देखा कि किस तरह वो खलीफा बनते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह उन्होंने सीरिया को फतह किया, किस तरह उन्होंने इराक़ को फतह किया, मिस्र को फतह किया और उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर भी हम बात करेंगे। लिहाजा उनका जो दौरे खिलाफत था तो उनको हम आने वाले वीडियोज़ में काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ये वीडियो जो थी ये सिर्फ उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक थोड़ी सी लिटिल बिट इंफॉर्मेशन दी कि किस तरह वो खलीफा बने थे और उनका ताल्लुक कौन से कबीले से था और थोड़ी सी उनकी इंट्रोडक्शन दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।